नमस्कार। तो आज मैं एक मुद्दे को लेकर बात करना चाहता हूं, जो कि अंडर 17 अपनी वुमेन्स वर्ल्ड कप टीम जो उसको लेकर है वो जा रही है स्पेन। वहां पर वो फ्रेंडली मैचेस है कुछ, वो खेलेगी, फिर वापस इंडिया आएगी, फिर अपना वर्ल्ड कप खेलेगी। ठीक है, तो इस बात पर कुछ सवाल निकल के आ रहे हैं, कुछ बोल रहे कि तो बहुत लेट हो चुका है वर्ल्ड कप, 10-15 दिन में वर्ल्ड कप है, आप अब भेज रहे टीम्स को। ठीक है, और हमारे जो लेजेंड फुटबॉलर हमारे भाईचुंग भूटिया सर, उन्होंने भी AFF को ये बोला था भैया कि वहाँ पर भेजकर क्या फ़ायदा, स्पेन भेजकर उधर तो बहुत ठंड होती है और वर्ल्ड कप भी बहुत नज़दीक है, हमारे यहाँ का वेदर गर्म है, तो यहाँ टीम्स बुलाना था, यहाँ फ्रेंडलीज करवाना था, तो थोड़ा सा एटमॉस्फेयर के हिसाब से प्लेयर्स जो है ढल जाते, वो ज़्यादा बेटर होता। तो प्रैक्टिकली ये बात भी सही है, तो इस पर मैं कुछ अपनी ओपिनियन रखना चाहता हूँ, और अगर आपको सही लगे तो आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा, और अगर आपको गलत लगे, असहमत होते हैं आप, तो भी आप कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो ये जो अंडर 17 वर्ल्ड कप है ये किस लिए है, आपको ही पता है कि ये हम इसमें जीतने वाले हैं या जीतेंगे अंडर 17 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, ये उसके लिए नहीं है, हमको ही पता है, आपको ही पता है, दिल पे हाथ रख के आप खुद बोलिए, क्या हमारी अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप टीम अभी अंडर 17 वर्ल्ड कप जीत जाएगी, जीत सकती है, नहीं जीत सकती, पता है हमको। तो ये जो टूर्नामेंट हम होस्ट कर रहे हैं, ये हम फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारी इंडिया में आपको पता है, सबको पता है कि फुटबॉल की वैल्यू नहीं है उतनी, लोगों के कानों तक फुटबॉल नहीं पहुंचा सही तरीके से, और खासकर इंडियन फुटबॉल, यूरोप का फुटबॉल तो लोगों के अंदर घुसा हुआ है, मेसी रोनाल्डो पूछो बता देते सब लोग, सुनील छेत्री पूछो नहीं बताते लोग, तो ये फर्क है अभी, तो हम फुटबॉल प्रमोट करने उतरे हैं मैदान में। तो अभी सबसे पहले तो यही चीज़ है कि हमको ये देखना है कि हमारे प्लेयर्स सीखने जा रहे हैं, जो स्पेन जा रहे हैं या कहीं भी गए थे, इटली से मैच हुए थे, हारे थे बुरा, हमने बोला भी था अरे यार एक ऐसी टीम है, क्योंकि परफॉर्मेंस के हिसाब से बोलना पड़ता है, लेकिन हमको यहाँ पे ये भी देखना है कि यही जो प्लेयर्स है ये इंडियन फुटबॉल में आगे काम में आने वाले हैं, जिसका सीधा सीधा एग्जाम्पल क्या है, अंडर 17 हमारे यहाँ पर वर्ल्ड कप हुआ था 2017 में बॉयज वाला। ठीक है, हमने बहुत इन्वेस्टमेंट भी किया था, हमको पहले से पता था कि हम ट्रॉफी नहीं जीतने वाले इसमें, लेकिन हम कुछ बेटर करके दिखाएंगे, इसके लिए प्रिपरेशन करी थी हमने, खूब इन्वेस्ट किया था, बहुत सारी चीज़ें करी थी, तो वो किस लिए था, फुटबॉल प्रमोट करने के हिसाब से, प्लेयर्स डेवलप करने के हिसाब से, और लोगों तक पहुंचने के लिए, फुटबॉल को लोगों तक पहुंचाने के लिए। और आज देखिए, उसी अंडर 17 वर्ल्ड कप स्क्वाड के कुछ प्लेयर्स आज हमारी भारतीय फुटबॉल टीम में, अनवर अली हो गए, सुरेश हो गए, अपुइया हो गए, जो है ना क्वालिटी प्लेयर्स, आज हमारे पास हमको कुछ प्लेयर्स मिल पाए उस स्क्वाड से, वो जो इतने टूर्स करे थे, उनने वर्ल्ड टूर पे चले थे, इतना उधर बाहर बाहर खेलने गए थे, उसके कारण वो प्लेयर्स डेवलप हो पाए थे। तो हमको सेम यही अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप टीम जो है उसके लिए भी तो ये हमको माइंडसेट रखना पड़ेगा ना, ये आप लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से सोचिए, उनको सीखने दीजिए ना भैया, वो स्पेन जा रहे हैं वहाँ पे सीखेंगे कुछ, भले वो यहाँ पर आएंगे, हमको ही पता है अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप में हमारी टीम कुछ बहुत खास बड़ा नहीं करने वाली, लेकिन उसमें कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो फ्यूचर में हमारी टीम में बहुत मदद करने वाली है, आपको पता है, बहुत अच्छी अच्छी कुछ प्लेयर्स है उसमें, कुछ है ना, अभी 15-16 साल की तो लड़कियां हैं वो, अभी उनको ये सब जो भेज रहे हैं बाहर और ये वर्ल्ड कप खिला रहे हैं, ये उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, ठीक है, ये उनको बहुत कुछ सिखाएगा, तो वो सीखने के हिसाब से इस चीज़ को हमको देखना है, ना कि ये देखना है कि AFF ने क्या डिसाइड किया, वहाँ क्यों भेजा, हमको यहाँ करवाना था, ये एक बात है बोलने की प्रैक्टिकली, ठीक है, लेकिन प्लेयर्स के हिसाब से एंड लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से सोचिए, क्योंकि ये जो चीज़ है ये उसी हिसाब से, ये इसलिए नहीं है कि आपको एक तुरंत रिजल्ट मिलने वाला है कि हमने स्पेन भेज दिया हमारी अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप टीम को, अब वर्ल्ड कप में हम जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला ना, वो सबको पता है, लेकिन ये लर्निंग के लिए है कि वहाँ जाकर हो सकता है कुछ सीख पाए वो, वहाँ पे स्पेन में काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, कुछ सीखेंगे जो शायद काम में आएगा कुछ प्लेयर्स के, यही तो चीज़ है ना। अभी देखिए, हम सीनियर टीम हारती है, ड्रॉ करा तो हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट होती है, लेकिन वो सीनियर टीम है, वो जो टीम है वो 10 साल बाद वो प्लेयर्स नहीं रहने वाले, लेकिन ये जो प्लेयर्स हैं ना अंडर 17 वाले, ये 10 साल बाद सीनियर टीम में आने वाले हैं, सीनियर टीम में खेलने वाले हैं, तो इसलिए हमको इनका सपोर्ट करना है, मतलब इनका अंडर 17 वर्ल्ड कप जो होने वाला है उसमें भी सपोर्ट करना है, भले वो हारेंगे, हमारी अंडर 17 की जो बॉयज़ टीम थी वो भी तो हार रही थी, लेकिन सपोर्ट करने जाते थे, स्टेडियम में जाते थे, टीवी पे देखते थे, क्यों देखते थे, क्योंकि भाई हमको पता था अरे तो बच्चे ये हमको बाद में मिलेंगे ना, बाद में ये सितारा बनेंगे, वो बने भी कुछ प्लेयर्स। देखिए, परफॉर्मेंस के हिसाब से क्रिटिसाइज़ करना है बिल्कुल आप करिए कि हाँ ये तो इतने गोल खा रहे हैं, ये तो ये है वो है, वो बोलिए, लेकिन यही प्लेयर्स हमारे फ्यूचर है, इस बात को भी याद रखिएगा, तो उनकी लर्निंग के लिए उनको सपोर्ट कीजिए, जब वो कुछ बेकार करेंगे बाद में तब आप क्रिटिसाइज करना, उसमें कोई नहीं रोकने वाला आपको। और एक और चीज़ ये भी है कि देखिए, अंडर 17 वर्ल्ड कप स्क्वाड तो पहले से बना था, लेकिन बीच में कोविड वगैरह की वजह से उनका प्रिपरेशन जो था वो सही से हो भी नहीं पाया, तो काफ़ी चीज़ें हैं जिसके कारण हमारी टीम जो बेहतर बन भी सकती थी वो बन नहीं पाई है,
तो अभी आपको वो सब चीजों को देखते हुए इस टीम को जज करना है जो हमारी अंडर 17 वुमेन्स और जिस स्टेज के हिसाब से वो खेलने वाली, उस हिसाब से वो एशिया कप वगैरह तो नहीं खेल रही, वर्ल्ड कप खेल रही, तो हमको सपोर्ट करना है। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहता था कि इस टीम को ट्रोल वगैरह ना करें, इनका सपोर्ट करें, उत्साहवर्धन करें और कुछ फ्यूचर में आपको अच्छा देखने को मिलेगा, ये उम्मीद रखिए। और बस यही कहना चाहता हूँ, आप कुछ कहना चाहें जरूर कमेंट में लिख के बताइए। तो इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।